एवरीवन, सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट में टू और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण वन हम कंप्लीट कर लिए, तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा। हाँ लिखा गाइस, क्लास ज्वाइनिंग के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा और कूपन कोड में UK SSC लिखेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। इवन कुछ स्टूडेंट के लिए ही के काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम है ना, देखिए ड्राइवर है तो गाड़ी के बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन है। साथ में आपका उत्तराखंड से भी क्वेश्चन आगे आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस निम्न में से कौन सा सिलेंडर ब्लॉक का भाग है? सिलेंडर होता है, पोर्ट्स होता है, या पासेज होता है, या उपयुक्त में से सभी। तो सिलेंडर ब्लॉक का भाग है, इस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जाएगा। आपको सिलेंडर ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल हम 3D की तरह और कई डायग्राम के माध्यम से हम क्लास में पूरा समझाए हैं। तो ये गैस देख सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक, और इनके बारे में एटलीस्ट आपको जानकारी होना चाहिए अगर आप ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो। एंड टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गैस, सिलेंडर के अंदर की सतह का फिनिशिंग की जाती है होनिंग विधि के द्वारा, या ड्रिलिंग के द्वारा, या लैपिंग के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ गैस, होनिंग विधि के द्वारा सिलेंडर के अंदर फिनिशिंग किया जाता है। अगर आप में से कोई अगर टेक्निकली स्टूडेंट होगा तो आराम से क्वेश्चन करके आएंगे, लेकिन नॉन टेक के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ये देख रहे गैस होनिंग प्रोसेसिंग, ये गैस सिलेंडर, और ये सिलेंडर के अंदर की फिनिशिंग किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे, है ना, नौ, ताकि स्मूथ हो सके और जो सिलेंडर पिछले आराम से मूव कर सके यहाँ पे। एंड थ्री क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट हो, वीडियो लेक्चर हो, इवन हम मॉक टेस्ट भी आप लोग के बीच डालने वाले हैं, जो कि काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। एंड थ्री क्वेश्चन देखिए, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है, सिलेंडर ब्लॉक करता है, या पिस्टन करता है, या क्रैंकशाफ्ट करता है, या कैमशाफ्ट करता है। अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा पिस्टन करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं गैस, नो गैस, ये है फ्यूल और ये है गैस पिस्टन, और यही क्या करता है गैस, फ्यूल और पिस्टन ही गैस क्या करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कनेक्टिंग रॉड किस को जोड़ता है यहाँ पे, पिस्टन और सिलेंडर को, या क्रैंकशाफ्ट या फ्लाईव्हील को, पिस्टन या क्रैंकशाफ्ट को, या पिस्टन या क्रैंकशाफ्ट को। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन क्या हो जाएगा गैस, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कनेक्टिंग रॉड है, पहले आप कनेक्टिंग रॉड को तो देखिए, ये है गैस कनेक्टिंग रॉड है। इस कनेक्टिंग रॉड का काम क्या होता है, इस कनेक्टिंग रॉड का काम होता है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने के काम करते हैं यहाँ पे, है ना। नो गैस, फाइव क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। फ्यूल फिल्टर लगा होता है, इनके अलावा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 हम कवर कराएंगे, थोड़ा संयम रखिए यहाँ पे, है ना। फाइव क्वेश्चन है, फ्यूल फिल्टर लगा होता है यहाँ पे फ्यूल पंप के बाद, जी नहीं, फ्यूल पंप से पहले लगा होता है यहाँ पे, जो फ्यूल फिल्टर होता है तब तो फिल्टर करता है, तब फ्यूल को आगे भेजता है यहाँ पे, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एंड सिक्स क्वेश्चन देखे गए, सिक्स क्वेश्चन भी उत्तराखंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि राज्य के लिए महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जी नहीं, राज्य के लिए पूछ रहा है, नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन सी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जी नहीं, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड गाइस, सात क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का संबंध प्रथम लिखित उल्लेख किससे मिलती है, रिंग वेद से, साम वेद से, पुराण से, या अर्थ वेद से। तो गाइस, उत्तराखंड का जो संबंध है ना, रिंग वेद से देखने को मिलती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठ क्वेश्चन देखिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी 1926, 1930, 1932, या 1936। आंसर क्या हो जाएगा, 1936 होती, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे गैस, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड नाइन क्वेश्चन देखिए गैस, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा मैदानी क्षेत्र में स्थित है, गैस यहाँ पे बात करें रुड़की, लक्सर हो जाएगा, खानपुर, चनापुरी हो जाएगा, मंगलौर, लाधोड़ा, उपयुक्त में से डी, मतलब सभी सही है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नंदा देवी मंदिर कहाँ पे, नैनीताल में क्या, जी नहीं, हरिद्वार में क्या, नहीं, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा, आंसर डी करेक्ट आंसर अल्मोड़ा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, उत्तराखंड में प्रसिद्ध जो कुंभ मेला लगता है कहाँ पे लगता है, देवप्रयाग में, ऋषिकेश में, या टेहरी में लगता है, या ऑप्शन नेक्स्ट देख हरिद्वार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हरिद्वार हो जाएगा, हरिद्वार में कुंभ मेला देखने को मिलती है यहाँ पे। क्वेश्चन 12 देखिए गाइस, देखिए अब 10th लेवल का एग्जाम, ठीक है गाइस, ड्राइवर का है तो ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं करेगा, लेकिन ड्राइवर है तो आपको गाड़ी के एक्ट वगैरह के बारे में जानना चाहिए, गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, मेन ये चीज जानकारी होनी चाहिए। हेमकुंड साहेब अवस्थित है कहाँ पे, शिमला में, जम्मू में, या अल्मोड़ा में, या चमोली में, आंसर क्या हो जाएगा, चमोली हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
नाउ गाइस, भले मैं क्वेश्चन कम लेके आता हूँ लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, UK SSC। अगर आप कूपन कोड यूज कीजिएगा आई थिंक आपको डिस्काउंट हो जाएगा, तो जरूर कर लीजिएगा। ये कुछ बच्चे के लिए ही रखा हूँ, तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम आगे भी लेके आते रहेंगे। थैंक यू।